बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। प्री फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 4 आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपने, क्वेश्चन नंबर 11 तक आपने करनी है, आज हम 12 से करेंगे और इंशाल्लाह आज इसी लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। और डियर स्टूडेंट उम्मीद है आपने इसके नोट्स बना लिए होंगे। जिस दिन ये आपका चैप्टर खत्म हो तो आपका पूरा चैप्टर जो है वो तैयार हो और उसके नोट्स बने हों। अब इसके जो क्विज हैं वो भी आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं डेली चेक करता हूँ, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आ रहा है आपकी तरफ से। इसी तरीके से आप इसके क्विज अटेम्प्ट करते जाएं और इसी मेहनत से आप कंटिन्यू रखें, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तैयारी होगी। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक्स 5 2 -2 1 is equal to -1 5 12 3। अब इसमें नोट करें उसने तीन मैट्रिक्स दिए हैं, एक अननोन एक्स, ये भी आपको पता है 5 2 -2 1, और एक है -1 5 12 3। ये तीन मैट्रिक्स हैं। अब इन तीनों में से दो गिवन है, एक फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसका नाम x है। अब हमने इन तीनों में से x को फाइंड करना है, तो आप देखें x इसका कोई नाम रख लेते हैं, इसका मैट्रिक्स A is equal to इसका मैट्रिक्स B। अच्छा पहले आपको बताऊं कि A इनवर्स पढ़ा था, is equal to adjoint of A divided by A का determinant। इसमें आपने सिर्फ ये सीखा हुआ है अंडर व्हाट कंडीशन ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। मैंने आपको बताया कि अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो हो जाए, यानी ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है। क्यों? डिनोमिनेटर में जीरो आ जाए तो अनडिफाइंड हो जाता है। लेकिन इसमें एक और बात भी ऐसी है जिससे ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, वो ये है कि इफ ए इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब अगर ए रेक्टेंगुलर है तो उसका इनवर्स भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि फिर भी ए का डिटरमिनेंट जब फाइंड करते हैं तो ए का डिटरमिनेंट तब भी फाइंड हो सकता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो हमने पढ़ा हुआ है कि ए इनवर्स कब पॉसिबल नहीं है, कि अगर ए का मान जीरो हो। तो एक और बात याद रख लें कि अगर ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद अनइक्वल हो, इक्वल ना हो। अगर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद इक्वल हो तो वो स्क्वायर। तो ऑब्जेक्टिव में एक एक्स्ट्रा पॉइंट आपके जहन में आ गया कि अगर ये रेक्टेंगुलर हो तब भी ये इनवर्स पॉसिबल नहीं। अब देखें, मैंने अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैंने एक्स फाइंड करना, इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, एक्स इस मैट्रिक्स का नाम ए रखा, इस मैट्रिक्स का नाम बी। अब देखें एक्स इज इक्वल टू बी, ए को इधर है, इधर आके क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। एक और बात देखें, 2x equal to 3, इसमें 2 उधर ले जाए, 2 उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, 3 डिवाइड बाय 2। ये किस में है, रियल नंबर्स में। रियल नंबर में अननोन निकालना हो तो जो कांस्टेंट होता है दूसरा आगे डिवाइड। अब आ जाए log x equal to 1.3214 फॉर एग्जांपल। अब log में ये जब x निकालना है, log उधर जाके डिवाइड नहीं होगा, एंटी log बनेगा। ये थोड़ी सी बातें आपको पुरानी बता रहा हूं जो हम नाइन्थ में पढ़ी है। अगर एक अननोन निकालना और रियल नंबर हो तो जो रियल नंबर है वो दूसरे जाके डिवाइड होता है। अगर एक्स फाइंड करना हो अननोन लॉग में, तो लॉग उधर जाके एंटी लॉग बनता है। अब आ जाए मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स में जब कोई मैट्रिक्स दूसरे जाता है तो इनवर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, इनवर्स। ये बातें समझ आ गई। अगर मैट्रिक्स दूसरी तरफ जाएगा डिवाइड नहीं होगा बल्कि उधर जाके इनवर्स बनेगा, लेकिन अगर राइट साइड पे है तो इनवर्स भी राइट साइड पे बनेगा, यानी ए इधर राइट साइड पे दूसरी तरफ जाएगा उधर भी राइट साइड पे जाएगा। क्यों, वजह देखिए, कोई भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपको ऐसे करा दूं और आप क्वेश्चन हल कर लें, नंबर पूरे मिल जाएंगे, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है, हर क्वेश्चन में कोई भी स्टेप आता है आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मैं आपको कहता हूं कि ए राइट पे उधर जाके ए इनवर्स भी राइट पे,
ए इनवर्स जब उधर जाएगा तो ये उधर जब जाएगा तो ए इनवर्स भी काम बनेगा राइट साइड पे, आपने कहना ठीक है जी। तो आपने सवाल हल कर लिया नंबर पूरे, लेकिन इसमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट कौन सा है वो देख लेते। आपने ए इंटू ए इनवर्स पढ़ा हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, क्या होता है आइडेंटिटी, ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, ये काम किया था या ए इनवर्स इंटू ए, ये आपने नाइन्थ क्लास में। फिर आपको ये बताया कि मैट्रिक्स है बी, उसके साथ आई मल्टीप्लाई और दोबारा बी बन जाता है, ये दो बातें ध्यान रखें कि अगर एक मैट्रिक्स है उसको उसी के इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर में आता है आइडेंटिटी। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकती है, हम जब क्विज लेंगे तो इस तरह के पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं, ए इंटू ए इनवर्स क्या आएगा आइडेंटिटी या ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी। लेकिन अगर आइडेंटिटी से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं आता, बी मल्टीप्लाई बाई आई दोबारा क्या आ जाएगा बी। आप इसको रफ पे एक एग्जांपल से लेके चेक कर सकते हैं, आई होता है 1001 और बी कोई भी ले लें 2345, दोनों को मल्टीप्लाई करें दोबारा आता है बी। अब मैंने जिसको बताना है एक्स ए इक्वल टू बी, हम असल में ऐसा रखते हैं दोनों तरफ क्या रहते हैं ए इनवर्स। ये असल में हल कैसे होता है मैं पूरा डिटेल में बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन बाद में करूंगा। एक्स ए इक्वल टू बी, इधर भी ए इनवर्स लें इधर भी ए इनवर्स, ब्रैकेट पहले दो के दरमियान है, आप आखिरी दो के दरमियान लगा लें, इसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी, बी इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी, किसी से मल्टीप्लाई होगा दोबारा वही आ जाएगा एक्स इक्वल टू बी ए इनवर्स। तो ये तरीका जी हम डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ए राइट पे है तो ए इनवर्स भी कहाँ लिखेंगे, ए जब उधर जाएगा तो राइट साइड पे जाएगा, अगर लेफ्ट पे होगा तो लेफ्ट पे। असल पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया है, आप मेन मकसद ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना, बाकी पेपर में आप डायरेक्ट लिखेंगे। अब आगे क्वेश्चन में आप देखें सर, क्वेश्चन दोबारा देखें क्योंकि पहले बीच में जो कॉन्सेप्ट थे वो सारे मैंने बता दिए। एक्स एक मैट्रिक्स है 5 2 -2 1 -1 5 12 3, एक्स की जगह एक्स इसका नाम मैंने ए रख दिया इक्वल टू बी, ए उधर ले जाए एक्स इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स। अब मुझे क्या चाहिए, एक मैट्रिक्स बी जो कि -1 5 12 3, और क्या चाहिए ए इनवर्स। मैंने बताया ए इनवर्स के लिए क्या जरूरी है कि पहले वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए स्क्वायर, अगर रेक्टेंगुलर हो तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो हमने इनवर्स निकालना है 5 2 -2 1 तो वो स्क्वायर है, इसका ए इसके लिए मान करते हैं इक्वल टू 5 2 -2 1। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, पहले ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं 5 2 -2 1, डिटरमिनेंट निकालने का तरीका आपको पता है कि मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी 5 मल्टीप्लाई बाय 1 दरमियान में माइनस, और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में -2 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 5 -9 2 4 9। अब आप क्या लेंगे ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट में आता है मेन डायगोनल एंट्रीज जो हैं उनकी जगह चेंज कर लें, 1 इधर आ जाएगा 5 इधर, और जो सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज होती हैं जिससे 2 की जगह साइन चेंज हो जाएगा, 2 की जगह -2 और -2 की जगह +2। दोबारा देखें जो आपके पास मेन डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी जगह चेंज और जो सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज उनके साइन चेंज, आप फॉर्मूला लगा लें आपके पास आए ए इनवर्स is equal to adjoint of A divided by A का determinant, adjoint of A मेरे बच्चों है 1 -2 2 5 divided by A का determinant 9, ये 9 बाय क्या कहते हैं ऊपर मत कुछ भी ना तो 1 होता है तो ये बन जाएगा 1 by 9 1 -2 2 5। अब इसको एक हमने x फाइंड करना है, x के लिए मुझे चाहिए था b जो कि ये है और ए इनवर्स वो भी फाइंड कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं भाई इक्वेशन 1, x की जगह x इज इक्वल टू बी, बी की जगह -1 5 12 3 मल्टीप्लाई में क्या था आपके पास ए इनवर्स, ए इनवर्स क्या है 1 by 9 1 -2 2 और 5, 1 by 9 को बाहर लिख लेते हैं अंदर क्या आएगा -1 5 12 3 और 1 -2 2 और 5। सिर्फ मैंने कहा कि 1 by 9 को बाहर बाकी दोनों मैट्रिक्स इकट्ठे थे, अब इनको मल्टीप्लाई करें
1/9 मल्टीप्लिकेशन का तरीका कल आपने सीखा है कि फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होती है फर्स्ट कॉलम से माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा वन से, तो आंसर डायरेक्ट लिखते हैं माइनस वन। सेकेंड एंट्री फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करें, सेकेंड एंट्री को सेकेंड 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। फिर दरमियान में जब कॉलम चेंज करते हैं क्या देते हैं स्पेस, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 ये आएगा 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 5 25। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 12 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 3 टू द 6, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 12 टू द 24 और अब 3 5 द 15, 12 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 12 मल्टीप्लाई माइनस 2 माइनस 24 3 5 द 15, तो ये 1/9 9 27 18 और 24 में से 15 निकाल दो माइनस 9। अब ये 9 में डिवाइड करें 9 डिवाइडेड बाय 9 27 डिवाइडेड बाय 9 18 डिवाइडेड बाय 9 और माइनस 9 डिवाइडेड बाय 9, तो ये 9 डिवाइडेड बाय 1 9 का डिवाइड इसको 3 टाइम 2 और माइनस 1 दैट इज वैल्यू ऑफ x। अब बहुत ही आसान सवाल है, सबसे पहले इसको देखिए क्वेश्चन को, x 5 2 minus 2 1 is equal to matrix minus 1 5 12 3 find x। इसका कोई नाम रख लेते, कोई भी नाम दे, मैंने a दिया कोई नाम दे सकते, मैंने इसका नाम a दे दिया इसका नाम b, x a is equal to b, तो आपके पास x क्या आएगा, जब a राइट साइड पे है उधर जाएगा तो इनवर्स भी काम बनेगा राइट साइड पे, वो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अब मुझे b चाहिए और a इनवर्स, b a और क्या चाहिए a इनवर्स के लिए a है क्या, a है 5 2 minus 2 1 फिर a का डिटरमिनेंट 5 2 minus 2 1 का डिटरमिनेंट 5 मल्टीप्लाई बाय 1, डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं मेन डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं माइनस सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज को आपस में 5 प्लस 4 इक्वल टू 9। फिर एडजॉइंट ऑफ a में क्या होता है जी, ये आपके पास a है इन दोनों की जगह चेंज और बाकी दोनों के साइन चेंज, ये वन इधर आएगा 5 इधर 2 की जगह माइनस 2 और माइनस 2 की जगह प्लस 2, फॉर्मूला लगाएं a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a कितना है 1 माइनस 2 2 5 डिवाइड बाय a का डिटरमिनेंट कितना है 9, तो ये 9 बाय लेंगे ऊपर 1 बाय 9 1 माइनस 2 2 5 a इनवर्स आपका फाइंड हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, x इज इक्वल टू b, b की जगह माइनस 1 5 12 3 इनटू a इनवर्स की जगह 1 बाय 9 और मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 2 5। अब ये जो 1 बाई 9 है इसको बाय ले आते हैं इधर, दोनों मैट्रिक्स इकट्ठे लिख लेते हैं माइनस 1 5 12 3 और दूसरे मैट्रिक्स 1 माइनस 2 2 5, दोनों को मल्टीप्लाई करने के तरीका है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहली एंट्री को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं दूसरी एंट्री को दूसरी से, यानी माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 5 टू द 10, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 5 5 द 25, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम अप्लाई कर लें, तो ये 9 27 18 माइनस 9 9 डिवाइड बाय 9 27 डिवाइड बाय 9 18 डिवाइड बाय 9 और माइनस 9 डिवाइड बाय 9, तो ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गए। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट सेम है क्वेश्चन 12 का सेकंड पार्ट, 5 2 माइनस 2 1 x इज इक्वल टू 2 1 5 और 10, सेम क्वेश्चन आप x फाइंड करते हैं, इसका नाम रखते हैं a कैपिटल x इज इक्वल टू b, a कैपिटल एक्स इज इक्वल टू बी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसका नाम ए रहेगा एक्स इक्वल टू बी। अब ए कहां पे है लेफ्ट साइड पे, इनवर्स बी लेफ्ट पे, कैसे मैंने एक्सप्लेन करा था दोनों तरफ ए इनवर्स ले लेते हैं, इधर लेफ्ट साइड पे इनवर्स इधर लेफ्ट, इन दोनों में तीनों को एसोसिएटेड आ जाते हैं, वो ये होता है कि अगर ब्रैकेट आखिर दो के दरमियान आप पहले दो के दरमियान, ये वैसे आपने करना नहीं है सिर्फ आपको कंसेप्ट के लिए बता, ए इनवर्स इनटू ए यूनिट मैट्रिक्स होता है और यूनिट मैट्रिक्स से कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो दोबारा वही आ जाता है यूनिट मैट्रिक्स का,
तो ये आपके पास x कितना है, a इनवर्स इनटू b। तो डायरेक्ट कैसे, अगर a लेफ्ट साइड पे है तो इधर a इनवर्स b लेफ्ट साइड पे बनेगा, x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। अब मुझे क्या चाहिए, a इनवर्स उसको b से मल्टीप्लाई करना है, इसके लिए नंबर मान कहते हैं, a क्या है आपके पास 5 2 माइनस 2 1, आपके पास b क्या है 2 1 5 10, इसका नाम ए रखा है x इक्वल टू, इसका नाम b। ए इनवर्स के पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ a 5 2 माइनस 2 1, ये क्या आएगा मेन डिटरमिनेंट, कैसे निकालते हैं मेन डायरेक्ट आपस में, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 1 का 5 माइनस माइनस प्लस 2 2 का 4 इक्वल टू 9। उसके बाद अर्जेंट ऑफ ए, अर्जेंट में क्या होता है मेन डायगनल एंट्रीज की जगह चेंज कर दो, वन इधर आ जाएगा और फाइव इधर, और सेकेंडरी डायगनल एंट्रीज के साइन टू की जगह माइनस टू और माइनस टू की जगह प्लस टू। आप फॉर्मूला लगाते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू अर्जेंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए, अर्जेंट ऑफ ए कितना है 1 माइनस 2 2 5 डिवाइड बाई ए इनवर्स 9, 9 को बाय करेंगे क्या बनेगा 1 बाई 9, 1 माइनस 2 2 और 5। अब इसके क्या नंबर 1 में पुट करेंगे बाई क्या 1, x की जगह x इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह, ए इनवर्स के लिए 1 बाई 9 1 माइनस 2 2 और 5 मल्टीप्लाई बाई बी, बी की वैल्यू कितनी 2 1 5 10, ये आपके पास b का b इक्वल टू 1 5 10। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या है 1 बाई 9, मल्टीप्लिकेशन तरीका पहले बताया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री मल्टीप्लाई होगी, फर्स्ट ए 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10, तो जो क्या आएगा आपके पास माइनस 10। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉलम चेंज करेंगे दरमियान में क्या देंगे स्पेस, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 1 का 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 10 माइनस 20, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 5 5 का 25, फिर 2 मल्टीप्लाई 1 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 50, ये आपके पास है 1 बाई 9 माइनस 8 माइनस 19 29 और 52, सबको 9 डिवाइड कर ले ये आपका आंसर आएगा माइनस 8 बाई 9 माइनस 19 बाई 9 29 बाई 9 और 52 बाई 9, ये आपका एक्स। अब देखें दोबारा, इसका नाम ए रखा x इक्वल टू b, x इक्वल टू a इनवर्स इनटू b, पहले a का डिटरमिनेंट लें 5 अंदर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे 5 अंदर 5 दरमियान माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई टू माइनस माइनस प्लस 4 9, अर्जेंट ऑफ a में इन दोनों की जगह चेंज, बाकी दोनों के साइन चेंज, a इनवर्स इक्वल टू अर्जेंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, अर्जेंट ऑफ a ये आपके पास है जो इन दोनों की जगह चेंज करने से हासिल है और बाकी के साइन। उसके बाद a इनवर्स इसमें वैल्यू लगा ली अर्जेंट ऑफ a डिवाइड बाय 9, 9 बार लिखें 1 बाई 9 1 माइनस 2 2 5, इसके लिए यह नाम में पुट कर रहे हैं x इक्वल टू a इनवर्स की जगह 1 बाई 9 1 माइनस 2 2 5 मतलब b की जगह 2 1 5 10, तो इसको आगे मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई करें। क्वेश्चन 13 का पहले बी पार्ट करेंगे क्योंकि वो इसी टाइप के ना ए दूसरी टाइप का, वो फिर बाद में 2 माइनस 1 माइनस 1 2 ए 0 माइनस 3 8 3 3 माइनस 10, इसमें भी देखें ए निकालना है, अब ए द्वार की आगे इसका कोई और नाम है, इसका बी दे, इसका सी इसका बी जो मर्जी नाम है, इसका नाम देते हैं बी ए इज इक्वल टू इसका नाम देते हैं सी, क्या फाइंड करना है ए तो बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी
इनवर्स काम बनेगा लेफ्ट साइड इधर भी लेफ्ट साइड, इसका क्या नंबर 1। अब मुझे सिंपल सी बात है, बी इनवर्स निकाला उसको सी से मल्टीप्लाई करो, तो बी इनवर्स के लिए बी क्या है 2 माइनस 1 माइनस 1 2, फिर बी का डिटरमिनेंट 2 माइनस 1 माइनस 1 2, ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1 2 टू द 4 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास आ गया 3। अब जाए का बी इन दोनों की बी आपने दिए, इन दोनों की जगह चेंज 2 2 है तो सेम रहेंगे, बाकी दोनों के साइन चेंज, तो वो दोनों माइनस के हैं तो माइनस 1 के प्लस 1 माइनस 1 की जगह प्लस 1, तो अब आपके पास बी इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी कितना आएगा 2 1 1 2 डिवाइड बाय बी का डिटरमिनेंट कितना आएगा मेरे बच्चों, बी का डिटरमिनेंट है 3 3 बाय 1 बाय 3 2 1 1 2। अब इसको इक्वल है नंबर हमने पुट करते हैं बाय इक्वल है 1, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स, बी इनवर्स की जगह आपने क्या लगा दिया 1 बाय 3 2 1 1 2 मल्टीप्लाई बाय क्या सी, सी की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 3 8 उसके बाद 3 3 माइनस 7। अब देखें ए इज इक्वल टू 1 बाय 3 मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, फिर फर्स्ट रो इधर से सेकंड कॉलम फर्स्ट को फर्स्ट से सेकंड को सेकंड से 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 6 दरमियान स्पेस है 1 मल्टीप्लाई 3 3, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम 2 8 16 और 1 मल्टीप्लाई माइनस 7 माइनस 7, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 0 0 और 2 मल्टीप्लाई 3 6 0 प्लस 6, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 6, फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 8 8 2 7 14 8 माइनस 14 1 मल्टीप्लाई 8 8 और 2 मल्टीप्लाई माइनस 7 माइनस 14, तो ये आपके पास क्या आ गया 1 बाई 3 3 माइनस 3 और ये 9 और ये 6 3 माइनस 6। आप सी डिवाइड करें 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 9 डिवाइड बाई 3 6 डिवाइड बाई 3 3 डिवाइड बाई 3 और माइनस 6 डिवाइड बाई 3 3 कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस 1 3 3 टू द 6 3 1 द 3 और 3 टू द 6, ये आपके पास ए की वैल्यू फाइंड। ये भी बहुत ही आसान तीनों पार्ट थे तो सेम थे, तो अब नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन जो 13 का पहला पार्ट 5 माइनस 1 0 0 3 1 ए इज इक्वल टू 3 माइनस 7 0 0 7 2। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मैं इसको इस डायरेक्ट करूं बी ए इज इक्वल इसका नाम है बी रख लूं इसका नाम सी, तो ए क्या आएगा B इनवर्स इनटू C, लेकिन मैंने क्या बताया था ये इस तरीके से क्यों नहीं हो सकता क्योंकि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्यों इनवर्स, इसमें एक दो तीन रोज है और दो कॉलम, अगर एक मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर हो तो उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला इस तरीके से नहीं हो सकता। इनवर्स के तरीके से हमने तीन क्वेश्चन किए, इनवर्स के तरीके से हमने तीन क्वेश्चन किए हैं, ये चौथा पार्ट है जो इनवर्स के तरीके से नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है अगर ये उधर जाएगा तो इनवर्स बनेगा, इसका नाम अगर बी रखेंगे तो उधर जाके बी इनवर्स, और ये रेक्टेंगुलर है जिसकी वजह से इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ए मैट्रिक्स को कोई नाम दे देते हैं, ए का नाम देते हैं फाइव मैट्रिक्स ए बी सी डी कोई भी नाम,
अब हमें कैसे चलेगा इसका ऑर्डर क्या है, मैंने कौन सा ऑर्डर लिया टू क्रॉस टू, हमें कैसे पता चलेगा इसका टू क्रॉस टू ऑर्डर है। उसके लिए ए के कॉलम देख लेते हैं, ए के साथ जो मैट्रिक्स के कॉलम अगर दो हैं और इसके कॉलम भी दो हैं तो टू क्रॉस टू होगा। इसके कॉलम जितने हैं उतनी इसकी रोज होंगी और इसके जितने कॉलम उतने इसके कॉलम होंगे। ये जो पहला मैट्रिक्स है तो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके कॉलम से ए की रोज देखते हैं और इसके कॉलम से ए के कॉलम, इसमें कितने कॉलम है दो तो ए की दो रोज होगी, इसमें कितने कॉलम है दो रिजल्ट में जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हासिल हो रहा है उसके दो कॉलम है तो ए में रोज कितनी होंगी दो। इसका मतलब है ए के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसके कॉलम काउंट कर लें, ए में उतनी रोज होगी, इसके कॉलम जितने होंगे ए में उतनी रोज होगी, यानी इसके दो कॉलम है तो ए में दो कॉलम नहीं बल्कि इसके कॉलम से इसकी रोज गिनेंगे, अगर इसमें दो कॉलम है तो ए में दो रोज, फिर इसी के कॉलम देखने जो रिजल्ट आ रहा है इन दोनों को अगर अप्लाई करूं तो ये आंसर आ रहा है इसके दो कॉलम तो ए के कॉलम दो, यहां से ए की रोज चेक करनी और यहां से ए के कॉलम, अगर इसमें दो कॉलम है तो ए की दो रोज और अगर रिजल्ट में दो कॉलम है तो ए के दो कॉलम। इसका मतलब ए में दो रोज होंगी दो कॉलम, दो रोज और दो कॉलम वाला मैट्रिक्स ए बी सी डी। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फाइव मल्टीप्लाई बाई ए फाइव ए माइनस वन मल्टीप्लाई बाई सी माइनस सी, पहले रो पहला कॉलम फिर पहले रो दूसरा कॉलम फाइव मल्टीप्लाई बी फाइव बी माइनस डी, फिर दूसरी रो पहला कॉलम ए मल्टीप्लाई बाई जीरो मल्टीप्लाई बाई ए जीरो जीरो मल्टीप्लाई बाई सी, फिर जीरो मल्टीप्लाई बी जीरो प्लस जीरो थ्री मल्टीप्लाई बाई ए थ्री ए प्लस सी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थ्री ए प्लस सी थर्ड रो सेकंड कॉलम थ्री बी प्लस डी, ये थ्री मल्टीप्लाई बी थ्री बी प्लस डी इज इक्वल टू थ्री माइनस सेवन जीरो जीरो सेवन टू। अब देखें ये आपके पास आ गया फाइव ए माइनस सी फाइव बी माइनस डी जीरो प्लस जीरो 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 थ्री ए प्लस सी थ्री बी प्लस डी इज इक्वल टू थ्री माइनस सेवन जीरो जीरो सेवन टू। हमने फाइंड क्या करना है ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स का नाम हमने रखा ए बी सी डी, मुझे ए की कीमत निकालनी है बी की सी की और डी की, तो ए मैट्रिक्स आपका आ जाएगा। अब देखिए फाइव ए माइनस सी किसकी इक्वल होगा थ्री के, फाइव ए माइनस सी इक्वल टू थ्री के नंबर वन, और जीरो किसकी इक्वल है जीरो, थ्री ए प्लस सी किसकी इक्वल होगा सेवन के नंबर टू। पहले इन दोनों कॉल करते हैं, देखिए ना करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में अगर इक्वल हैं तो ये आपस में करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती हैं, फाइव ए माइनस सी इक्वल टू थ्री और फाइव बी माइनस डी इक्वल टू माइनस सेवन, लेकिन पहले कौन से ले करते हैं ए और सी वाले, फाइव ए माइनस सी इक्वल टू थ्री और थ्री ए प्लस सी इक्वल टू सेवन, वो भी लिख लेते हैं बाकी दो, फाइव बी माइनस डी इक्वल टू माइनस सेवन इकाई नंबर थ्री और जीरो इक्वल टू जीरो तो थ्री बी प्लस डी इक्वल टू टू, थ्री बी प्लस डी इक्वल टू इकाई नंबर फोर। अब इन चारों इकाइयों को आपस में हल करके किसकी कीमत निकालनी है ए की बी की सी की और डी की, एडिंग इकाइयां वन एंड टू दोनों को ऐड करते हैं, फाइव ए प्लस थ्री ए एट ए माइनस सी प्लस सी कट जाएगा थ्री प्लस सेवन टेन, ए इक्वल टू टेन बाई एट, ए इक्वल टू कितना है आपके पास टेन बाई एट, तो ए इज इक्वल टू फाइव बाई फोर, टू कटे हुए थे इसको काम उठ कर लेंगे इक्वेशन वन में या टू में, तो बाई इक्वेशन वन फाइव इस ए की जगह फाइव बाई फोर माइनस सी इक्वल टू थ्री, फाइव फाइव था 25 by 4, ये 3 इधर प्लस इधर आके माइनस का और ये माइनस सी इधर ले जाए, माइनस इधर जाके प्लस सी, सी निकालना है सी को अलग करना है, ये सी माइनस के इधर से जाके प्लस करो, ये 3 प्लस के इधर आके माइनस का, तो 4 ऐसे में 25 माइनस 12 इक्वल टू सी, 25 में 12 निकाल दो 13 by 4 इक्वल टू सी, सी की वैल्यू आ गई 13 by 4 और ए की 5 by 4। अब एडिंग इक्वेशन 3 एंड फोर दोनों को ऐड करें, फाइव बी प्लस थ्री बी
एट बी माइनस बी प्लस डी कर देगा माइनस सेवन प्लस टू माइनस फाइव, तो बी इज इक्वल टू माइनस फाइव डिवाइड बाई एट। अब इसकी कीमत इक्वेशन थ्री में पुट कर लें बाय इक्वेशन थ्री, फाइव बी की जगह माइनस फाइव बाई एट माइनस डी इज इक्वल टू माइनस सेवन, फाइव फाइव था माइनस ट्वेंटी फाइव बाई एट, ये माइनस का सेवन इधर आगे प्लस का सेवन इक्वल टू माइनस का डी इधर जाके प्लस का डी, एट आंसर सुने 56 में 25 निकालें 31 बाई 8 इज इक्वल टू डी, डी भी आ गया प्लस 31 बाई 8, देयरफॉर आपका आंसर क्या आ गया, ए इज इक्वल टू क्या था ए बी सी डी, इसमें कितने पुट करें ए की जगह ए आपके पास था ना ए बी सी डी, इसमें कीमत ए की जगह 5 बाई 4, बी की जगह माइनस 5 बाई 8, सी की जगह आपके पास कितना 13 बाई 4 और डी की जगह 31 बाई 8, तो ये आपका मैट्रिक्स ए फाइंड हो गया। दोबारा इसको समझने के लिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और ये पहले से पहले जो तीन पार्ट किए उनसे डिफरेंट क्यों है कि इसमें आपने ए इनवर्स वाला तरीका अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें ए इनवर्स का तरीका अप्लाई कर सकते थे। ए इनवर्स वाला तरीका दो सूत्रों में पॉसिबल नहीं है, अगर ए सिंगुलर है तब भी पॉसिबल नहीं है और अगर ए रेक्टेंगुलर है तो उसका इनवर्स तब भी पॉसिबल नहीं है। आप देखें ये जो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर, मुझे ए फाइंड करना है, अगर मैं इसका नाम बी रखता हूं तो बी उधर जाकर क्या बन जाएगा बी का इनवर्स, और इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है। अब उसका ये एक ही सूरत है कि ए मैट्रिक्स को कोई नाम देते हैं, अब ए का नाम देने के लिए पहले एक ऑर्डर बताओ, एक ऑर्डर कैसे निकालेंगे कि ए के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा हो उसके कॉलम देखने रो ही देखो, इसके दो कॉलम है तो ए में जो होंगी ए में दो रो होगी, इसके जो कॉलम है उतनी रो होती है ए में जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो रिजल्टेंट है ये और ये मल्टीप्लाई होके ये आंसर आ रहा है, जो आंसर आ रहा था उसके भी कॉलम देखते हैं, दो कॉलम है उतने ए में कॉलम होंगे, इसके कॉलम से ए की रोज लिख लें और इसके कॉलम से ए की कॉलम, दो कॉलम इधर है इधर भी दो कॉलम, तो एक ऑर्डर होगा टू बाई टू, टू बाई टू का मैट्रिक्स ले लेते हैं, कोई भी नाम रख लें ए बी सी डी ए वन बी वन सी वन डी ए वन ए टू ए थ्री ए फोर, आसान क्या है ए बी सी डी। अब आगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फाइव मल्टीप्लाई ए फाइव ए माइनस सी फाइव बी माइनस डी, जीरो मल्टीप्लाई ए जीरो जीरो मल्टीप्लाई सी जीरो, सेकंड रो सेकंड कॉलम जीरो और जीरो, थ्री ए प्लस सी थ्री बी प्लस डी, जीरो प्लस जीरो जीरो और जीरो प्लस जीरो जीरो, फाइव ए माइनस सी इक्वल टू क्या आ गया थ्री, थ्री ए प्लस सी इक्वल टू सेवन, इक्वेशन वन टू कर लें, फाइव बी माइनस डी इक्वल टू माइनस सेवन, थ्री बी प्लस डी इक्वल टू टू, इन दोनों को आप आपस में ऐड करते हैं, ए के पांच और तीन ए के आठ एट ए माइनस सी सी कट गए थ्री प्लस सेवन टेन, ए इक्वल टू टेन बाई एट, टू का टेबल टू फाइव जार टेन टू फोर जार एट, ए की वैल्यू या ए मन में पुट करें या टू में तो फाइव इंटू ए की जगह फाइव बाई फोर माइनस सी इक्वल टू थ्री, फाइव फाइव जार ट्वेंटी फाइव बाई फोर माइनस सी इक्वल टू थ्री, ये सी माइनस को तो जाकर प्लस का वही थ्री इधर आके माइनस का, एल सी ने फोर थ्री जार ट्वेल्व ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेल्व बाई फोर, 25 में 12 निकाला है 13 बाई 4 इक्वल टू सी, सेम 5 बी माइनस डी इक्वल टू माइनस सेवन, थ्री बी प्लस डी इक्वल टू टू है, इनको ऐड कर दें 5 और 3 8 बी इक्वल टू माइनस फाइव, ये कट जाएगा माइनस सेवन प्लस टू माइनस फाइव, बी इक्वल टू माइनस फाइव बाई एट, बाई इक्वेशन 3 5 बी की जगह माइनस फाइव बाई एट माइनस डी इक्वल टू माइनस सेवन, ये माइनस डी उधर प्लस डी और माइनस सेवन आगे प्लस सेवन, एट सेवन 56, तो ये आपके पास कितना आएगा 56 माइनस 25 31 बाई एट इक्वल टू डी। अब ए मैट्रिक्स आपने नाम क्या रखा था ए बी सी डी, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए की जगह 5 बाई 4, बी की जगह माइनस 5 बाई 8, सी की जगह 13 बाई 4 और डी की जगह 31 बाई 8। तो भाई आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया लेकिन क्योंकि एक ही पार्ट रहता है उसको अब खत्म करते हैं ताकि ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन है आखिरी 14,
आर कॉस फाइव जीरो माइनस साइन फाइव और जीरो आर जीरो आर साइन फाइव जीरो और कॉस फाइव cos 5 0 sin 5 0 1 0 minus r sin 5 0 r cos 5 equal to r i 3 ऊपर से आई थिंक ना अभी आ रहा होगा ये इसको मिटा से 0 r 0 इधर r cos 5 0 minus sin एक और क्वेश्चन फिर देखते हैं। पहली रो है आर कॉस फाइव जीरो माइनस साइन फाइव जीरो आर जीरो आर साइन फाइव जीरो कॉस फाइव इधर कॉस फाइव जीरो साइन फाइव जीरो वन जीरो माइनस आर साइन फाइव जीरो और आर कॉस अच्छा लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट आनी है लेफ्ट हैंड साइड आर कॉस फाइव जीरो माइनस साइन फाइव जीरो आर जीरो आर साइन फाइव जीरो कॉस फाइव और कॉस फाइव जीरो साइन फाइव जीरो वन जीरो माइनस आर साइन फाइव जीरो आर कॉस फाइव इनको मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड लानी है राइट साइड में आई थ्री लिखो आई थ्री का मतलब होता है यूनिट मैट्रिक्स वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन जिसमें तीन रोज तीन कॉलम यूनिट मैट्रिक्स ये होता है जिसमें डायगोनल की सारी वन हो मेन डायगनल और बाकी सारे जीरो आप देखें मल्टीप्लाई करें मल्टीप्लिकेशन देखा क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आर कॉस फाइव मल्टीप्लाई कॉस फाइव आर कॉस स्क्वायर फाइव जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो माइनस साइन फाइव माइनस माइनस प्लस पहले आर लिख लें और साइन स्क्वायर फाइव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आर कॉस फाइव मल्टीप्लाई बाय जीरो तो जीरो जीरो मल्टीप्लाई वन जीरो और ये आपके पास क्या आएगा जीरो फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आर फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम ये फर्स्ट रो आर कॉस फाइव मल्टीप्लाई साइन फाइव आर कॉस फाइव साइन फाइव जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो माइनस आर साइन फाइव और कॉस फाइव सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जीरो मल्टीप्लाई कॉस फाइव जीरो आर मल्टीप्लाई जीरो जीरो प्लस जीरो सेकंड रो सेकंड कॉलम जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो आर मल्टीप्लाई वन आर प्लस जीरो सेकंड रो थर्ड कॉलम जीरो मल्टीप्लाई बाई साइन फाइव जीरो आर मल्टीप्लाई जीरो जीरो और जीरो मल्टीप्लाई का ये आपके पास क्या आएगा जीरो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम आर साइन फाइव के संत है कॉस फाइव आर साइन फाइव कॉस फाइव जीरो आपके पास जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री फर्स्ट मल्टीप्लाई होगी सेकंड सेकंड से थर्ड थर्ड से माइनस आर कॉस फाइव साइन फाइव ये आपके पास इस आगे थर्ड रो सेकंड कॉलम आर साइन फाइव मल्टीप्लाई जीरो 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 मल्टीप्लाई वन जीरो और कॉस फाइव मल्टीप्लाई जीरो जीरो अब आर साइन फाइव इंटू साइन फाइव आर साइन स्क्वायर फाइव थर्ड रो थर्ड कॉलम फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से जीरो मल्टीप्लाई जीरो जीरो और cos 5 मतलब r cos 5 r cos स्क्वायर 5 आप देख रहे हैं इसमें से इसमें r कॉमन है अंदर cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 0 ये कट गया तो 0 0 इधर r इधर 0 इधर कट गया 0 ये 0 और इधर से कॉमन आप क्या लेंगे आर अंदर क्या आएगा साइन स्क्वायर फाइव प्लस का स्क्वायर फाइव आप देखें कॉमन क्या होते ये अब का स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या होता है वन ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा ना तो ये आपके वन आपके पास कितना आ जाएगा आर इंटू वन जीरो जीरो इधर जीरो आर जीरो इधर जीरो जीरो आर और साथ क्या आएगा वन क्यों साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव आपके पास कितना होता है वन अब कॉमन क्या आ रहा है बाय आर इधर क्या बचेगा वन
जीरो 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 वन जीरो 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 वन। अब देखिए कॉमन लेने के लिए मैट्रिक्स में जो वैल्यू कॉमन ले रहते हैं वो हर किसी के साथ होगी तो कॉमन लेंगे हर एंट्री के साथ। इधर आर है, इधर आर नहीं है, लेकिन जीरो के साथ नहीं, कॉमन जब भी लेना हो। देखिए ये टू जीरो फोर सिक्स, मैंने टू कॉमन लिया, इधर टू है, इधर टू का टेबल जा रहा है, इधर टू का टेबल जा रहा है, जीरो के साथ ऑटोमेटिकली हर किसी का टेबल जाता है। तो टू बाय टू वन टू इधर जीरो टू और थ्री। तो इसका मतलब आपने जब कॉमन लेना हो तो कॉमन किसके साथ लेंगे, नॉन जीरो एंट्री के साथ। इधर आर है, इधर जीरो, जीरो के साथ ही देखना, इधर आर आर है, इधर आर है, तो हर नॉन जीरो एंट्री के साथ आर है, तो आर कॉमन ले लें तो इधर वन बन जाएगा, इधर जीरो जीरो जीरो, आर कॉमन पीछे वन जीरो 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 और वन। तो ये आर और ये आपके पास आई थ्री इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये आर आ गया। ये यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसके डायगोनल एंट्री सारी वन हो और नॉन डायगोनल एंट्री सारी जीरो हो। तो ये आपके पास आंसर आ गया, बहुत ही आसान सवाल दोबारा इसमें है। लेफ्ट हैंड साइड है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फिर स्पेस दें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह सेकंड रो हर कॉलम से मल्टीप्लाई करें थर्ड रो। ये देखें आर कॉमन है, कॉस के रफा प्लस साइंस के रफा आ जाएगा जीरो, ये कट जाएंगे जीरो जीरो आर जीरो, ये कट जाएंगे ये वाला ए से और ये वाला ए से, जीरो जीरो आर कॉमन है, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, ये भी मान आ गए, ये भी मान आ गए। अब आपने कॉमन लेना है, क्या सबके साथ आर है, इधर आर है तो जीरो के साथ होता है जीरो आर, लिख लें जीरो आर भी जीरो होता है जीरो आर, इसका मतलब आर बाय निकाल लें वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन, ये यूनिट मैट्रिक्स है। आर आई थ्री इक्वल टू राइट हैंड साइड। आज का लेक्चर का अख्ताम हुआ है, थोड़ा सा आज लेंथ ही हो गया, लेकिन क्योंकि आज एक्सरसाइज खत्म करनी थी लिहाजा इसलिए थोड़ा सा लेक्चर लेंथ ही हो गया है। तो ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होगी, इसको आप तैयार करें, इंशाल्लाह कल नए लेक्चर सब मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।